नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 20 जून है, थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक रहेगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपकी राशियों के साथ और बात करेंगे आज का दिन कैसे बताएंगे आप लोग और साथ ही में इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसी के साथ अगर आप टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन देखें तो हमेशा अपना मून साइन फॉलो करें, क्योंकि कई लोगों की ये क्वेरीज होती हैं कि हम कार्ड से प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो क्या कौन सा साइन हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप मून साइन देखेंगे। इसके अलावा एस्ट्रो तक से जुड़ने के लिए आपको YouTube पर जाना है, एस्ट्रो तक चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे डेली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी कि एरीज के साथ। एरीज फर्स्ट का निकल रहा आप लोगों के लिए 3 of Pentacles एंड पेज ऑफ कप्स। तो आज मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं, मेहनत का पूरा पूरा फल मिल रहा है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटेगा। आज धन प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हालांकि चिंताएं रह सकती हैं आपके रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के, इसीलिए वाद विवाद की भी आशंकाएँ बन रही हैं। थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना अच्छा है मेल्स के लिए। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं हनुमान जी को, संध्या काल के समय करेंगे तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि 7 of Cups एंड 10 of Pentacles कार्ड निकल रहा है। व्यस्तता रहेगी कामकाज की वजह से, आराम का अवसर आज नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई ना कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर मिल सकता है। घर परिवार की चिंताएं नज़र आ रही हैं, व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। 7 रस वाले फल किसी भी मंदिर में दान करना आपके लिए अच्छा है। कर्जा अगर चढ़ा हुआ है तो उसे खत्म करेगा, इसके अलावा फाइनेंशियल पार्ट को भी मजबूत करेगा। मिथुन राशि 6 of Wands एंड 8 of Pentacles कार्ड निकल रहा है। यात्रा, नौकरी और निवेश के कार्य जो है उसमें अनुकूल स्थितियां नजर आ रही हैं। उन्नति का अवसर आज के दिन में मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली आज के दिन में आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना है, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट्स में कोई रिस्क नहीं लेना है। आज गणपति जी को कनेर के पुष्प अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैंसेरियंस कर्क राशि 8 of Pentacles एंड 5 of Cups कार्ड निकल रहा है। विवाद में नहीं पड़ना है, आज के दिन में फालतू खर्च हो सकता है। तनाव और चिंता का स्थिति नज़र आ रही है, तो कोशिश कीजिए एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करने के लिए आज नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। दूसरों की अपेक्षा आज नहीं करनी है, यानी कि दूसरों के कहे में आज कोई भी काम नहीं करना है। रिस्क लेने से बचना है, इसके अलावा आलस्य को भी त्यागना बेहतर रहेगा। घर लौटते वक्त लाल रंग के पुष्प या फिर लाल रंग के फल आज ज़रूर लेकर के आएँ, हो सके तो किसी मंदिर में अनार का दान भी आज ज़रूर करें। चलिए बात करेंगे लियोस की। 4 of Cups एंड द स्ट्रेंथ कार्ड निकल रहा है। लेनदारी जो है आज वसूल हो सकती है। व्यावसायिक यात्राएं आज के दिन में लाभदायक रहेंगी। बेचैनी थोड़ी बहुत रहेगी, एंग्जाइटीज रहेगी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, लेकिन धन प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं। आज जीवन साथी का ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 1.25 किलो काले चने आज के दिन में मंदिर में दान करना आपके लिए अच्छा है, हेल्थ इश्यूज़ को खत्म करेगा। कन्या राशि कार्ड निकल रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 of Swords। तो आज के दिन में योजनाएं जो हैं वो फलीभूत होते हुए नजर आ रही हैं। कार्यस्थल पर परिवर्तन आज के दिन में संभव है, मे बी चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ डेजिग्नेशन हो सकता है, आपको प्रमोशन भी आज के दिन में मिल सकता है। यात्राएं सफल रहेंगी, जल्दबाजी करने से बचना है। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। नारियल का माँ लक्ष्मी को भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं पर इनकम सोर्सेस को बढ़ाएगा, या फिर व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लीब्रंस की बात कर लेते हैं। 3 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज 10 of Wands। तो आज के दिन में राज्य की बाधा दूर हो सकती है, दैट मीन सरकारी पक्ष से जो नुकसान अभी तक आपने झेला है या कोई डिस्टर्बेंस अभी तक चल रही थी वो खत्म हो सकती है। हालांकि स्पिरिचुअलिज्म से आप लोग जुड़ेंगे, व्यवसाय जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन चिंताएं आपकी हेल्थ को लेकर के रह सकती हैं। आवेश पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना अच्छा है। वृश्चिक राशि द लवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज 10 of Cups। तो वाहन और मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतेगा आज के दिन में। ऐसे लोगों से जो कि थोड़े बहुत नेगेटिव आपको ऑरा देते हैं उनसे थोड़ा दूर रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा आपके इश्यूज़ का। संध्या काल के समय पीपल में दीपक जलाना अच्छा है, कोशिश कीजिएगा चौमुखा दीपक आप जलाएंगे। धनु राशि 8 of Cups एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। तो आज राज्य के सहयोग आप लोगों को मिल सकता है, धन प्राप्ति के योग भी नज़र आ रहे हैं, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि 8 of Wands एंड 6 of Swords कार्ड निकल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान आज जरूर रखेगा,
कार्य की अधिकता रहेगी, यानी कि वर्कलोड आज बहुत ज़्यादा रहेगा। संपत्ति के भी बड़े सौदे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ आपको हो सकता है आज। यात्राएं संभव दिखाई दे रही हैं, धन मिलने की संभावना भी बन रही है। एक स्वाद गेंदे के पुष्पों की माला राधा कृष्ण जी को चढ़ाएंगे। कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों की फैमिली इशूज़ या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खिटपट चलती है, वो लोग हस्बैंड वाइफ साथ मिल करके चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आज के दिन में क्रिएटिविटी से आप लोग जुड़ेंगे। पेंटिंग या फिर म्यूजिक, कला के क्षेत्र से आज आपको लाभ ज़रूर होगा। स्वादिष्ट भोजन का कहीं ना कहीं पे उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। यात्राएं सफल दिखाई दे रही हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने से बचना है, क्योंकि उसके दौरान सेहत बिगड़ सकती है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आज किसी भी नई योजना के अवसर आपको मिल सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ करना आज आपके लिए बेहतर रहेगा, कोशिश कीजिएगा संध्या काल के समय करें। मीन राशि नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है, दोनों ही रिवर्स कार्ड्स हैं, तो आज विवाद को बढ़ावा नहीं देना है। कोशिश कीजिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, लोगों के बहकावे में आज नहीं आए। व्यर्थ की दौड़ धूप आज लगी रह सकती है और कहीं ना कहीं पे मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। काली मिर्च का सेवन करने से आज आपको बचना है, और हो सके तो नमक का दान भी आज के दिन में ज़रूर करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक।